अगर धरती पर किसी को स्वर्ग देखना है तो लोग कश्मीर की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में स्वर्ग है तो कश्मीर है, लेकिन मैं कहूँगा आप उत्तराखंड में आइए, उत्तरांचल में आइए, आप उत्तरकाशी में गंगोत्री जाइए, हर्षिल देखिए, सुखी टॉप, द एरिया मैं आपको अभी एलैबोरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या एडवेंचर है, व्हाट यू कैन डू देयर। आई डू माई बेस्ट, ट्रस्ट इज गॉड्स ग्रेस। उत्तरकाशी से यात्रा की शुरुआत होती है गंगोत्री के लिए। ऑन द वे देयर इज अ गर्म पानी का सोत्र। आउटसाइड टेम्परेचर इज -0, 0, 5, और 7 डिग्री, अगर गर्मियाँ भी हैं तो। और रास्ते में ये गर्म पानी का नहाने का एक प्राकृतिक गॉड ग्रेस, एक गॉड गिफ्ट है, एंड यू कैन एंजॉय देयर। अगर आप उत्तरकाशी से जब भी गंगोत्री के लिए जाते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप अपनी ही टैक्सी हायर कर जाइए। दे पीपल चार्ज अप्रोक्सीमेट 3,500 से लेकर 5,000 के बीच में। अपनी टैक्सी का बेनिफिट ये है कि यू कैन स्टॉप, यू कैन वॉच द सराउंडिंग अराउंड यू, कहीं भी आप रुक सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। अगर आप शेड में जाते हैं तो बंदा बाध्य रहता है, आप प्रकृति को इंजॉय नहीं कर सकते। सो बेटर यू हायर योर ओन टैक्सी। जब उत्तरकाशी से चलते हैं, ऑन द वे देयर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट इज सुखी टॉप, नेक्स्ट वन इज हर्षिल, एंड एट द लास्ट हम पहुंचते हैं गंगोत्री। यहाँ के लोगों में एक खासियत है, दे पीपल आर वेरी नाइस। ऑन द वे मैंने कहीं पर ब्रेक लगाई तो आई डिसाइड कि आई टेक मैगी। यू विल सरप्राइज, उस बंदे ने मेरे से जस्ट 30 रुपीज लिए, सब्जियां वगैरह सब कुछ डालकर। आई सेड कि हिमाचल हम जाते हैं या कहीं और भी, 50 से 80 रुपये दे पीपल चार्ज, बट ही सेड आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि भाई 10 रुपये की आती है, 2-4 रुपये ऊपर और खर्चा हो गया, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि मेरे को जो भी मिल गया। देखिए वो बंदा इतनी ऊंचाई पर मैगी लेकर आ रहा है, सिलेंडर यूज़ कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, सब्जियां डाल रहा है, इवन देन ही इज़ नॉट ग्रीडी। यहाँ के लोग सचमुच बहुत अच्छे हैं। एंड अनदर सबसे बढ़िया बात है, ये लोग पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये चीज़ें काफ़ी कम है। वट आई फील, वट आई ऑब्जर्व, वट आई एक्सपीरियंस, इट इज़ माई ऑन पर्सनल ओपिनियन, जो भी है लोग अच्छे। दिस प्लेस इज सुखी टॉप, सुखी, ये सामने ग्लेशियर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, नीचे दिस इज अ गंगा वैली और ये खेत हैं। इट्स वेरी वेरी पीसफुल एरिया। हमारे पास प्रोविजन है यहाँ कैंपिंग के लिए, अगर 10 बंदों का ग्रुप है, 20 का है, 50 का है। जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, ये जो रूफ है सड़क के साथ लगती है, इसके नीचे 2 कमरे हैं, एक हॉल है, रहने की पूर्ण व्यवस्था है, बाथरूम, पानी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड ये जो है एप्पल गार्डन है, वो जो आप सामने देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज अ टॉप, ये 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है थ्रू जंगल विथ सेफ्टी, और टॉप पर कैंपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हम चाहें 1 नाइट के लिए वहाँ कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उस पहाड़, उस टॉप के पीछे एक लेक है, वहाँ तक जाया जा सकता है। अगर नाइट स्पेंड करनी है ऊपर, दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल, सेम डे वापस आना है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो दिस एरिया इज सुखी, एंड इफ यू हैव एनी प्लान टू
come here. We can do everything for you. हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से उत्तरकाशी और सुखी, इसके आगे एक और प्लेस है हर्षिल, वहाँ पर भी कैंपिंग की पूरी अरेंजमेंट व्यवस्था है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्यू में दिखाता हूँ। और फिर आगे गंगोत्री, रहना, खाना, बॉनफायर, गलासी एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, वट एवर यू वांट। This is in short. For detail, you can contact. पूरा रास्ता ही wonderful, मेरे पास शब्द भी हैं बताने के लिए। उत्तरकाशी से जब हम चलते हैं गंगोत्री के लिए, ये रास्ता अप्रॉक्सीमेट 5 hours का है, 5 hours लग जाते हैं हमें जाने जाने में ही, इवन आप रास्ते में रुक रुक कर देंगे, बट आई एम वेरी श्योर आप जब भी जाएंगे यू एंजॉय द जर्नी। हम लोग अक्सर कुल्लू मनाली या दूर दराज के कई इलाकों में जाते हैं, वहां पर काफी रश होता है। अगर आप इस एरिया को प्लान कीजिए, आई एम वेरी वेरी श्योर कि यू विल एंजॉय देयर। कुल्लू मनाली जस्ट एक नाम फेमस हो चुका है, आप दिल्ली से भी निकलते हैं, चंडीगढ़ से भी चलते हैं तो 7 से 10 घंटे इजीली लग जाते हैं, इट इज़ वेरी फार। ये एक ऐसा एरिया है जो कि अभी लोगों की पहुंच से दूर है, या इतना फेमस नहीं है, या गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं कर रही। यू मेक द प्लान, कहीं भी किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, आई एम अवेलेबल, यू मस्ट गो देयर। बाकी अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपनी अपनी नज़रें होती हैं, नज़रें बदली तो नज़ारे बदले, हवा ने बदले रुख तो कश्ती ने किनारे बदले, ये मेरी समझ है। This is really a heaven on the earth. अभी और आपको घूमेंगे और घुमाएंगे। देखिए मैं तो गंगोत्री आया हूँ, अभी कपाट नहीं खुले हैं इसलिए रश नहीं है, मार्केट बिल्कुल बंद है। आई थिंक मैं, मेरे अलावा जस्ट 8 से 10 लोग मैक्सिमम यहाँ पर होंगे। अभी भी बर्फ़ यहाँ पर जमी हुई है, कपाट खुलते हैं आई थिंक इन द मंथ ऑफ मे, जब श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे एक अलग ही एहसास था, मैं सच बताता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का। जब मैं हरिद्वार उतरा तो मेरे को टाइम नहीं मिला गंगा स्नान के लिए, ऋषिकेश गया तो वहाँ पर रश नहीं था, मैंने सोचा ओ माय गॉड इट्स वेरी बैड लक कि गंगा स्नान नहीं हुआ, एंड आई रियली सरप्राइज, मेरे को पता नहीं था कि गंगा माता अपने द्वार पर ही मेरे को बुला रहे हैं। मेरा सच में कोई प्लान नहीं था गंगोत्री का, मैं गया नहीं हूँ, मेरे को बुलाया गया है, दिस इज़ द रियलिटी, ये एक बार नहीं कई बार होता है। फॉर दिस आई रियली से थैंक यू गॉड, एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। जितना भी एरिया है इट्स अ वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल, एक अलग ही यहाँ पर शांति है। जो ये गंगोत्री टेम्पल है, यहाँ से जो गोमुख है जहाँ से गंगा निकलती है, वो पॉइंट यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर है पिघल चुके हैं। अब दैट पार्ट इज 22 किलोमीटर फ्रॉम दिस टेम्पल, अगर वहाँ पर जाना है तो एक दिन में 150 लोग जाते हैं जब कपाट खुलते हैं इन द मंथ ऑफ मई, उसकी लिटिल बिट गवर्नमेंट फीस है, 22 किलोमीटर जाना पड़ता है और 22 किलोमीटर आना, और रास्ते में स्टे के लिए 2 आश्रम भी है जो सुनने में आया है, और कैंपिंग की व्यवस्था भी है। सो अभी कपाट बंद है, और जो गंगोत्री गोमुख जो मेन प्लेस है जहाँ से गंगा माता का उद्गम हो रहा है, दैट इज़ 22 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस गंगोत्री टेम्पल। कभी गंगा जी का प्रारंभ जो उद्गम स्थान था यहीं से था, लेकिन ऑल दिस इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, हमें इस चीज को ध्यान भी देना चाहिए। जय माता गंगे।
ये हमारे पंडित जी जो कि 12 महीने यहीं पर रहते हैं, आपको इतिहास बताने जा रहे हैं, सुनिए उन्हीं के मुख से जी। हाँ, ये है गंगोत्री, गंगा उतरी गंगोत्री, स्वर्ग से जो उतरी थी तो यहीं पे उतरी थी। ये राजा भगीरथ जी की तपस्थली भी है, यहाँ जो हिमालय गौमुख है तो यहीं पे हुआ करता था। जैसा युग बदलता गया गंगा जी पीछे हटते चले गए। तो हाँ, तो वहाँ 12-13 किलोमीटर तो हमने भी देखा था, आज तो 22 किलोमीटर ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, पीछे को प्रत्येक साल ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ से इसका नाम पड़ा भागीरथी। अच्छा, क्योंकि ये तपस्थली भागीरथ जी ने जहाँ पे तपस्या किया था 5,500 वर्ष तक, ये राजा भागीरथ जी की तपस्थली है नीचे और ये मंदिर है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा भागीरथी। और जैसे जैसे गंगा जी आगे बढ़ते गई वैसे वैसे उसका नाम भी बढ़ता चले गया। तो आगे जो ये घाटी खत्म होती है वहाँ पे जंगम ऋषि थे, कुटिया थी, तो वो भी तपस्या कर रहे थे। तो राजा भगीरथ जी तो गंगा जी को ले जा रहे थे, तो वो गंगा जी को ले करके उनकी कुटिया बह गया, उनको क्रोध आ गया, उन्होंने क्रोध में आ करके उठा करके अंजुल में ले करके गंगा जी को पी लिया। अच्छा। फिर राजा भगीरथ जी ने पीछे देखा तो गंगा जी अलुप्त हो गई, कहाँ गई। फिर इसकी स्तुति की तो उन्होंने जांग से गंगा जी को निकाला, तो फिर नाम पड़ा उसका जाह्नवी। तो जैसे जैसे गंगा जी का युग आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उसका नाम ही बढ़ता गया, और हरिद्वार में जा कर के गंगा। अभी जो गौमुख स्थान है यहाँ से कितने किलोमीटर है? ये अभी करमिन मेरे लगभग 20-22 किलोमीटर पीछे चले गया गौमुख। और ये यहाँ से पैदल यात्रा? पैदल यात्रा, ये रास्ता है, ये 6 फुट का रास्ता है, ये सीढ़ी वाला है, आधा तक सीढ़ी है तब सीधा है। लोग जाते हैं वहाँ? लोग जाते हैं, इसके अगले महीने से खुल जाएगा, नेशनल पार्क में है, उसकी पर्ची कटती है। 150 आदमी मतलब पर एक दिन जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और रास्ते में रहने का खाने का? रहने का आगे खाली लाल बाबा आश्रम है और टीजोमो का बंगला है। वहाँ क्या खर्चा पड़ता है? वो अलग अलग है उनका, तो मेरे ख्याल से डोनेशन का है, आश्रम में तो डोनेशन का है, जो मतलब जो फिक्स होगा उनको एक पर आदमी का। और गौमुख तक आने जाने का एक दिन लग जाता है? अगर जो चलने वाला है सुबह जाता है शाम को वापस आता है, घोड़े के ऊपर जाओ तो आराम से। अच्छा, घुड़सवारी भी अवेलेबल? घुड़सवारी भी जाती है। और ये अभी से शुरू से ही 22 किलोमीटर पीछे है या अभी से ऐसा हुआ है? नहीं, ये तो मैं बता नहीं रहा, जब मैं मेरी 55 साल की उम्र है, तो जब मैं पहले गया था तो 12-13 किलोमीटर था। अच्छा। आज कम से कम वो 5-7 किलोमीटर और पीछे जा रहा है, क्योंकि एक गंगा जी आती है स्वर्ग आकाश गंगा, वो तपोवन से आती है शिवलिंग के नीचे से, तो मतलब दिखाई नहीं देती थी, पूरी ग्लेशियर के अंदर में समा जाती थी। तो आज वो गंगा जी अलग छूटी हुई है। अच्छा जी, बहुत किनारे आ रखी है, बिल्कुल उसका उसी से पता लग जाता है कि गौमुख कहाँ है। जैसे मतलब आदमी एक बार सोचेगा नहीं यार गौमुख कहाँ बैठे, जैसे पूरा आगे वो पत्थर ही पत्थर और रगड़ी रगड़ बना हुआ, और नहीं तो दूर से वो जो गौमुख था तो दूर से ही पहले नज़र आ जाता था, नीला करके आसमान करके जो बर्फ था गंगा जी निकलती थी तो दूर से नज़र आ जाता। ठीक है पंडित, धन्यवाद, नमो नारायण।